एमनेस्टी के साथ लाकर कामना करेंगे, बहुत बड़ी बात है। ये राजेंद्र राठौड़ साहब अगर कामना करें मेरे से के स्वास्थ्य लाभ की, ये तो मेरा हक बनता है इनकी कामना को स्वीकार करने का, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में नेता प्रतिपक्ष तो घर आना चाहिए था पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, कान लग गई। अगर आप घर आते तो आपकी हाइट बढ़ जाती कि भाई हाँ ये कुछ डेमोक्रेसी की नॉर्म्स एडॉप्ट कर रहे। आप उसकी बजाय आप और आपकी पार्टी नेताओं ने इसकी मजाक उड़ा दी, कीलें लग गई है और नाटक कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, बताइए आप। अरे मेरे दोनों अंगूठे में, एक अंगूठे में इसमें नाखून राठौड़ साहब, इसमें तो राठौड़ साहब पूरा नाखून बाहर आ गया, सुनिए आप, इसमें आगे नाखून पूरा बाहर आ गया, ठीक है, और फ्रैक्चर हो गया हेडलाइन का, इसमें नाखून तो बाहर नहीं आया, इसमें तीन टुकड़े हो गए हैं, तीन टुकड़े हो गए हैं। अभी भी आप आश्चर्य कर रहे हो, आश्चर्य कौन सा वाला कर रहे हो, सच्चे वाला कर रहे हो या आर्टिफिशियल कर रहे हो? क्योंकि मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ आपकी, आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें भी आप डाउट कर रहे हो क्या? आप आइए घर पे, आपको चाय बनाऊंगा, मेरी एक शिकायत आपसे है, आज मैं पूरी कर लेता हूँ वो भी। ये मेरे घर पे आए एक बार, अपने भतीजे की शादी थी, कार्ड देने आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी ड्यूटी है कि उस पर तो नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, तो मैंने कहा भाई राजेंद्र राठौड़ साहब आए तो घर पे, मैंने कहा भाई कुछ नाश्ता वगैरह बनवाओ, चाय साथ पिएंगे, गपशप कर लेंगे। ये भाई जो है कुछ छिपके आया हो जैसे, उस ढंग से आए और आके क्या किया, मैं कार्ड पढ़ूँ, दूल्हा दुल्हन के नाम पढ़ूँ, डिस्कस करूँ भाई कहाँ संबंध किया कहाँ नहीं किया, उसी को नमस्कार साहब और भाग गए। इससे मैंने क्या किया, मैंने भी क्या किया, ये हमारे सब नेता गए शादी के अंदर, मैं नहीं गया, मैं सच में नहीं गया उस शादी में, सिर्फ इसलिए कि मेरे राठौड़ साहब आए क्यों थे और जिस रूप में आके इन्वाइट किया गया, मैं समझता हूँ कि एक कोई इन्विटेशन होगा क्या, तो मैं गई नहीं वहाँ शादी के अंदर, वरना मैं भी आपकी शोभा बढ़ाता। अगर मुख्यमंत्री आता जाता वहाँ पे तो आपके दूल्हा दुल्हन थे, आपके भतीजे भतीजे जो भी थे, उन खुशी होती भी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आए। क्यों आए? क्योंकि हमारे अंकल जो है वो बड़े नेता राजस्थान के हैं, आपका भी सम्मान बढ़ता पूरा परिवार के अंदर भी, आपने उसमें आप चूक गए हो सकते, चूक गया। इसलिए लंबी बात नहीं करता, आप बहुत खुशी की बात है, शानदार। मैंने 6 महीने पहले देख लिए थे फ्लैट, बहुत शानदार फ्लैट बने, ये सब सुख संकेत है, ये कांग्रेस सरकार के रिपीट होने के शुभ संकेत का कड़ी में ये काम भी हुआ है, आज ये कह सकते हैं हर काम ठीक ढंग से हो रहे हैं। राठौर साहब आपने तो मजाक उड़ा दी, मान लो कोई बात, मैं उसको लेता हूँ मजाक में, पर ये भी मैं समझता हूँ कि शुभ संकेत है लगना भी। अगर ये लग जाते एक महीना पहले लगता, मेरा कैंपेन का वक्त लगता तो क्या होता, 4-5 महीने पहले निपट गया मैं, आराम जमकर कैंपेन करूँगा आपके खिलाफ में। आप बताइए अगर ये लगती चुनाव कैंपेन में लग जाता तो क्या होता बताओ? तो जो होता है वो ठीक ही होता है, उसी रूप में देता हूँ, इसलिए माइंड नहीं करता हूँ आपकी बातों का मैं।